दोस्तों, आज हम 78वें यौम आज़ादी कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन। अपना प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना, जय हिंद से शुरू करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद 144 करोड़ लोगों। लेकिन शुरू करने से पहले हमें ये दिखाना चाहेंगे, सैमी जी ज़रा दिखाइए, ये क्या हालत हो गई है। ये देखिए हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितनी अच्छे से एक फ्रीडम फाइटर को, जंगे आज़ादी के सिपाही को अपना श्रद्धांजलि पेश कर रही है। काबिले तारीफ बात है। ये जो हम जो दिखा रहे हैं, ये सिर्फ एक महीने पहले बनाया गया है। ये निचला पोर्शन हमने बहुत शुक्रिया अदा किया कमिश्नर साहब का भी, डीसी साहब का भी, कि चलो हमारी बात की सुनवाई तो हुई, चलो कहीं एक फ्रीडम फाइटर को कुछ रिस्पेक्ट तो दी गई। एक महीने में ये हाल हो गया है। कमिश्नर साहब, आप बहुत अच्छे होंगे, हम मानते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, डीसी साहब आप भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप अगर 2 गज़ जगह मेंटेन नहीं कर सकते, दो गज़ जगह ठीक नहीं रख पा सकते आपके लोग, तो सारा पटियाला क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो, कैसे होगा। हमने कमिश्नर साहब, आपके एक्शन साहब से नाम नहीं लेंगे उनका, पिछले 2 दिन में 10 फ़ोन किए उनको बताया कि 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है सर, अगर आपको भूल ना गया हो तो, वहाँ हम जाकर खिराज अकीदत यानी झंडा चढ़ाते हैं, तो कम से कम उस दिन तो ये जगह ठीक होनी चाहिए। ये रिस्पेक्ट है हमारे दिलों में एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए, और झंडा चढ़ाते हुए हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कमिश्नर साहब, हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, ऐसे अफसर को मेडल जरूर दीजिएगा, बनता है उसका। आपका अल्लाह हाफिज। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज का टॉपिक आज़ादी से अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। मैं ये जो बात करने जा रहा हूँ, ये बात करने का हक है मेरे को। मैं औरों के बारे में नहीं जानता, अपने बारे में जानता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर, मेरी रगों में एक स्वतंत्रता सेनानी, एक फ्रीडम फाइटर का खून है। वो स्वतंत्रता सेनानी जिसने आज़ादी के लिए तकलीफ़ें सही, अपना खून बहाया। इसलिए मेरे को पता है कि देश क्या होता है, देशवासी क्या होते हैं, आज़ादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है। तो मेरे को पूरा हक है। मैं औरों के बारे में नहीं बता सकता कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, मंत्री क्या कहते हैं, वो क्या सच बोलते हैं क्या नहीं, मेरे को नहीं पता। मैं अपनी बात कर सकता हूँ। जब दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उस वक़्त के हालात देखते हुए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के जितनी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और उनके वज़ीरों को ये हक दिया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो अपनी अपनी जगह जाकर झंडा फहराएं, फ्लैग होस्टिंग करना उनका ड्यूटी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उस वक़्त जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने देखा या उनके साथियों ने देखा, उस वक़्त जो हमारे पॉलिटिशियन का कद था, जो मेयार था, वो उस वक़्त के हिसाब से सही था। मैं बात आज के हिंदुस्तान की कर रहा हूँ, आज के लीडरों की कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अगर मेरा दावा गलत हो तो बेशक मुझे चौराहे पे खड़े कर गोली मार दी जाए, बेशक मुझे डिब्रूगढ़ जेल में डाल दिया जाए, तिहाड़ जेल में डाल दिया जाए, मैं इतराज़ नहीं करूँगा, कोई रिट कहीं फाइल नहीं करूँगा, ना मेरे परिवार का कोई रिट फाइल करेगा। पिछले
10 साल से जो हमारे लीडर साहिबान हैं, चाहे वो एमसी हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, चाहे वो कॉरपोरेटर्स हैं, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे एमएलसी हैं, चाहे वो वज़ीर हैं, चाहे वो वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सबके मैं फिर कह रहा हूँ, सबके हाथ और आत्माएं तो खैर है नहीं इनकी किसी की, सबके हाथ 144 करोड़ लोगों के खून से रंगे हुए हैं और शहीदों के अरमानों को उन्होंने गला घोट कर मारा हुआ है। ये लोग झंडे की तरफ देखने के हकदार भी नहीं हैं। इनको झंडा चढ़ाने की बात तो बहुत बड़ी बात है, ये झंडे की तरफ देखने के हकदार नहीं हैं। इन लोगों ने इस देश को इतना लूटा है जितना 500 साल मुगलों के राज में मुगलों ने, 200 साल के राज में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा। और इनकी भूख ख़त्म नहीं हुई, चलती रहेगी, क्योंकि हम सब इम्पोर्टेंट हैं, नामर्द हैं, वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। मैं बात आज गरीबी और अमीरी की भी नहीं करूँगा, सिर्फ इन लोगों की करूँगा कि इन लोगों का कोई हक नहीं बनता कि इस झंडे जो ये झंडा 10 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के खून से पसीने से बना है, उसको ये अपनी भूख की वजह से, अपनी गंदी सोच की वजह से गंदा करें आए साल में दो बार। कोई हक नहीं बनता इन लोगों को, ये बहुत बड़े गुनाहगार हैं। ये गुनाहगार हमारे, हम तो क्या हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं, हम लोगों को क्या समझते हैं। ये गुनाहगार तो शहीद भगत सिंह के हैं, ये गुनाहगार तो सुभाष बाबू के हैं, ये गुनाहगार तो अशफाक उल्ला के हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद के हैं, रानी झांसी के हैं, तात्या टोपे के हैं, जिन्होंने अपने इस देश के लिए खून बहाया, और ये बेशर्मी से उन्हीं की बात करते हैं। यार पंजाब में तो सारी भगत सिंह के वंशज बने हुए हैं, उनको शर्म नहीं आती। किस जगह पंजाब आ गया है। मैं कोई झूठ पार्टी, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, सारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। इन लोगों को कोई हक नहीं है कि हिंदुस्तान के झंडे को हाथ लगा सके। अगर ये सवाल ये भी उठता है दोस्तों, अगर ये झंडे को हाथ ना लगाएं, मान लो एक बार, वैसे होगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हम इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हमारी इम्पोर्टेंसी का फ़ायदा ये उठाते हैं, कभी किसी चीज़ पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर उठाते हैं और उठाते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान ख़त्म नहीं हो जाता। हिंदुस्तान ना कभी श्रीलंका बन सकता है, ना कभी बांग्लादेश बन सकता है। पता नहीं भगत सिंह और सुभाष कैसे पैदा हो गए यहाँ, मेरी समझ से बाहर है। मैं अपने वालिद पे हैरान हूँ, वो कैसे पैदा हो गया यार बेचारा, बहुत गलती की उसने हिंदुस्तान में पैदा होकर, पंजाब में खासतौर पर, जहाँ उसको रोज़ मारा जाता है केसरी पगड़ी बांधकर। तो कौन करे, झंडा तो फहराना है ना सर, तिरंगा तो हमारी शान है, जब तक है तब तक तिरंगा है। ये कोई एक कपड़ा नहीं है। 142 करोड़ ये सोचते हैं कि ये कपड़ा है, कपड़ा नहीं है ये, ये हम सब लोगों की पहचान है। तो उसके लिए मैं एक हल देता हूँ, सेट जो हमारा कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फहराए, स्टेट कैपिटल्स में चीफ मिनिस्टर फहराए, ना सॉरी चीफ जस्टिस फहराए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फहराए, तहसील लेवल पर CGM फहराए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर। ये लोग फिर भी अच्छे हैं, DM या DC या SSP ये भी काबिल नहीं है, क्योंकि ये भी पॉलिटिशियनों की झूठ हैं, उनके दुम छल्ले हैं। जो मंत्री कहता है, किसी DM किसी SSP की औकात नहीं हिंदुस्तान में उसको इनकार कर सके, क्योंकि उसे वहाँ रहना है, उसे वो प्लम पोस्ट रखनी है। इसलिए सारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं ऐसे, मैं फिर कहता हूँ, लेकिन जो DM और SSP लगे हुए हैं वो भी हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा एक किल्ली पर टांग रंगी है, एक खूंटी पर टांगी हुई है प्लम पोस्ट के लिए।
अगर देश ने कुछ बनना है तो ये ज़रूरी है, इन लोगों को बंद करना होगा। और बंद कौन करवाएगा? आप करवाओगे, 142 करोड़ लोग करवाएंगे। कभी ना कभी तो यार जागना पड़ेगा, कभी ना कभी तो जागना पड़ेगा। इससे ज़्यादा और आज बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसी मौजू पे रहूँगा, मैं ख़त्म करता हूँ इसी उम्मीद के साथ। ये उम्मीद नहीं है कि इन बेशर्मों को कोई शर्म आ जाएगी, ना कभी नहीं आएगी। शायद जो 142 करोड़ आबादी हमारी सो रही है, शायद वो मेरे इस रिक्वेस्ट पर, मेरे इस गुजारिश पर शायद जागे, शायद इस पर कुछ काम हो। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया जीती है। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, सुखदेव, राजगुरु, जब ये सब लाहौर जेल में थे तब ये सब इकट्ठे होकर राम प्रसाद बिस्मिल साहब की एक नज़म गाया करते थे। वो ये गाया करते थे सब के सब, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सहकर, वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, गोद में आंसू कभी टपके जो रुखसर बहकर, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर।